सोमवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में गोरखपुर की ओर से आयोजित लीग मैच के आठवें दिन दो मैच खेले गए। पहले मैच में धर्म स्पोर्टिंग और प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन के बीच मैच हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ी लगातार गोल करने के लिए नजर आए, लेकिन अंतिम क्षण में उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन के डिफेंस को भेदते हुए धर्म स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों ने गोल कर बढ़त हासिल कर ली। अंत तक बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जान को 1-0 से मैच अपने नाम किया। इसी क्रम में फुल मैच के दूसरे मैच में फुटबॉल क्लब गोरखपुर और वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब के बीच रोमांचक मैच खेला गया। फुटबॉल क्लब गोरखपुर के खिलाड़ियों ने वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब डिफेंस को फेंकते हुए गोल कर मैच में बढ़त बना लिया। मैच के सेकंड हाफ में वैलेंटाइन क्लब और फुटबॉल क्लब गोरखपुर के बीच जबरदस्त मैच खेला गया, लेकिन आखिर तक कोई गोल नहीं हुआ और अंत में गोरखपुर की टीम 1-0 से मैच जीत लिया। इस मौके पर गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, का मैच हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन वर्सेस धर्म स्पोर्टिंग, जिसमें धर्म स्पोर्टिंग की टीम ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन के अगेंस्ट 1-0 से विजयी रही। और पूल डी के मैच में जो दूसरा मैच गोरखपुर एफसी और वैलेंटाइन एफसी के बीच खेला गया, उसमें वैलेंटाइन एफसी की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित है। गोरखपुर एफसी 1 गोल से मैच जीती हुई है और संघर्षपूर्ण मुकाबले में वो भी एफसी ने अपना मैच जीत लिया। मैच ये चलेगा, तो लीग के मैचेस 17 तारीख तक चलेंगे और 17 के बाद नॉकआउट दौर शुरू होंगे। हर पूल से दो दो टीमें क्वालिफाई करेंगी, ए वर्सेस, जैसा ओलंपिक या वर्ल्ड कप में होता है, ए वर्सेस सी और बी वर्सेस डी। रनर्स और विनर के क्रॉस क्वार्टर फाइनल होते हैं, उनमें से 4 टीमें निकलेंगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और 22 को अंततः फाइनल होगा।